जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं 4.0 एग्जाम के लिए मैं टेस्ट सीरीज करा रहा हूं। रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 2 का जो बुक आया हुआ है, और ये वीडियो का पार्ट नंबर, ये आपका टेस्ट सीरीज नंबर है आपका 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये 10वां सेट है, इसको शुरू करते हैं। और देखिए इसमें हम मैथ से कितना तो 80 क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्षों के लिए इतना रुपया है तो राशि क्या होगा, मूलधन क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया, 2 वर्षों के लिए कितना 12% की दर से आपको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 12% 2 साल के लिए निकालना है। तो 12 + 12 + 12 × 12 यानी इसको हम जब इसको 144 से गुना करेंगे तो 100 से भाग देंगे तो 1.44 आएगा, और इसको हम जोड़ देंगे 24 में, 12 12 24 में जोड़ेंगे तो 25.44 आ जाएगा। अब ये 25.44% जो है कितना बता रहा है, उसका उसका दिया था आपका कितना, तो 3688.8 रुपया ये दिया था 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हम इसके बराबर कर दिए। अब हम 100% पर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको ये आपका 3688.8 बटा कितना हो जाएगा 25.44 और गुना 100, और इसको जब हम काट कूट करेंगे, गुना उना करेंगे इसको 145 बार में और गुना करेंगे तो 145 सौ, यानी कि आपका कितना आ गया, 14,500 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि स्थिर जल में किसी मोटर बोट की चाल जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और इसे धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से जाने में धारा की दिशा में समान स्थान पर लौटने की तुलना में 72 मीटर कितना अधिक समय लगता है। ठीक है, 72 मिनट अधिक समय लगता है तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए हमने धारा की चाल को x मान लिया, ओके। अब हम प्रश्न से कर देंगे, हमें दूरी कितना तय करना था भाई, 36 किलोमीटर जानी थी। 36 किलोमीटर पहले धारा के कैसे विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो 16 - x हो जाएगा, और एक बार कितना जाना है भाई, फिर वही दूरियां जाना है और लेकिन दिशा में, धारा के दिशा में जाना है तो प्लस हो जाएगा, यानी 16 + x। लेकिन वो बोला था कि 72 मिनट क्या हो जाता है, टाइम ज़्यादा लग रहा था, यानी उसमें से माइनस हो जाएगा ये कितना 72 मिनट, मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से भाग दे दिए हैं। अब इसको काट कूट किए हैं तो देखिए इसका आधा हमने कैसे काटा है, इसको देखिए 36 36 36 से इधर 36 कमन करके काटेंगे तो 36 × 72 है, 2 से इसको काट देते 30 आ गया, यानी 1/30 हो गया, ये इतना हो गया। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए अब ऑप्शन से हम उठाते हैं, तो ऑप्शन सी देखिए 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में 4 दिया है तो 4 भर के देखते हैं, तो 16 में से 4 गो घटेगा तो कितना हो जाएगा 12 गो, और 16 में 4 गो जोड़ेंगे तो 20 गो। अब इसको दोनों को जैसे ही सॉल्व करिएगा, भिन्न के जोड़ घटाव करिएगा तो ये 1/30 आ जा रहा है, यानी ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसलिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बोल रहा है कि 5/9 7/11 8/15 11/17 में सबसे 12 और सबसे छोटे भिन्न के बीच का अंतर क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो ये देखिए ये 5/9 का भाग देंगे तो इतना आ जाएगा, 7/9 को अगर भाग देंगे तो इतना आ जाएगा, और इसी तरह से 8/15 का इतना आएगा और 11/17 का इतना आएगा। अब ये भाग देकर आप चेक कर लेंगे, और सबसे बड़ा इसमें कौन सा दिख रहा है आपको, तो सबसे बड़ा आपका ये 64 वाला दिख रहा है, यानी 11/17, और सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको, तो ये सबसे छोटा आपका दिख रहे हैं 53 वाला दिख रहा है, तो ये सबसे छोटा, तो 12 और सबसे छोटा का अंतर पूछा गया है तो घटा लीजिए इसको, घटा के कितना आ रहा है 29/255 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, ये वाला कह रहा है कि किसी इंजीनियरिंग विद्यार्थी को उसके उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने हैं, वह 157 अंक प्राप्त करता है, 23 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए कितना का था। चलिए निकालते इसको। तो चलिए देखिए 45% अंक उसको क्या होता है, उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त करना था, तो उसको अंक कितना प्राप्त था 157, तो उसमें कितना 23 अंक अनुत्तीर्ण हो जाता है, 23 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब अगर हम 23 को जोड़ देते हैं तो 45% पूट जाएगा, तो 45% = 180, तो 100% पर निकाल लीजिए तो आ जाएगा कितना 400, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इसका आंसर हो जाएगा 400, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं, अगला सवाल ये देखिए, आठ क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए यदि उनमें से सबसे छोटी संख्या के द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। चलिए देखते हैं इसको। तो यदि सबसे छोटी संख्या को हम के मानते हैं तो आठवीं सम संख्या कौन हो जाएगा? आठवीं सम संख्या, तो दो से स्टार्ट करिएगा ना, दो चार छ आठ दस, तो आठवीं सम संख्या जो होगा वो के प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात नंबर पर आ रहा है ना जी 14। तो यानी कि अगर हम छोटी को के मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आठवीं नंबर पर आ जाएगा ये के प्लस 14। ठीक है, तो इस तरह से अब बोला है औसत निकालना है, तो दोनों को जोड़ के दो से भाग, तो दोनों को जोड़ दिया तो 2k+14/2, दो से भाग देंगे तो क्या आएगा, के प्लस 7 ही जाएगा आंसर। इसको दो से काटेंगे, इसको सात से काट देंगे दो बार में, तो आ जाएगा आपका के प्लस 7 आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका के प्लस 7, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं, जब भली भांति फेटे फेटे हुए ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाली जाती है तो रानी आने की प्रायिकता क्या होगा, है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि ताश के गड्डी में रानी यानी कि क्वीन आने की, कैगो क्वीन कैगो रहता है, तो चार गो क्वीन रहता है ताश के पूरे गड्डी में, चार गो क्वीन हो जाएगी, तो चार उसकी घटना हो गई, और टोटल पता कितना होता है 52 को। अब इसी को काट लीजिएगा तो 1/13 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका प्रायिकता निकाल दिए तो 1/13 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे देखते हैं, करा कि निम्नलिखित जानकारी सीमा तथा बहुलक का माध्य निकालें। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए, इसे पहले हमने आरोही क्रम में सजा दिया, ठीक है, और उसके बाद में सीमा यानी रेंज निकालना है, तो सबसे बड़ा में से सबसे छोटा आपको घटा देना है। तो देखिए, 21 सबसे बड़ा है और सबसे छोटा 3 है, घटाइएगा तो इसका रेंज यानी परिसर यानी सीमा निकल जाएगा 18। अब इसका क्या निकालना है, बहुलक, तो बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो सबसे ज्यादा बार 11 आया है, तो इसका बहुलक 11। अब उसके बाद में माध निकालना था, तो माध कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो माध कैसे निकालेंगे, तो इसका सीमा यानी रेंज अब प्लस बहुलक अब 2 कर देंगे तो इसका माध निकल जाएगा, यानी 18+11/2 यानी 29/2 यानी कि 14.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आपका 14.5 ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा कि एक सीलिंग फैन जो है का अंकित मूल्य कितना रुपया, 42 रुपया है, और दुकानदार इस पर 5% का छूट दे देता है, तो लाभ कितना हो रहा है, 14%, तो पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए, सेलिंग फैन का हम विक्रय मूल्य पहले निकाल लेते हैं, तो 4200 का कितना 5% का छूट दे रहा था, तो 45/100 काट कूट करें तो आपका आ गया 3990 रुपया गुना करके, और लाभ बोला था कि 14%, तो पंखे का क्रय मूल्य निकालना था, तो कितना भाई 14% उसको लाभ भेटा रहा है। ठीक है, कितना पर, तो अगर आपका कितना यानी कि सेलिंग प्राइस कितना था, 3990 रुपया, तो 3990 रुपया का कितना भाई 14% प्रॉफिट यानी 100/114 काट कूट करेंगे इसको, तो काट कूट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3500 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन में यहाँ नहीं दिया है, आगे भी देखते हैं, देखिए इसमें भी नहीं दिया है, तो इसका आंसर होगा क्या भाई, तो इसका 3500 कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर होगा। अगला देखते हैं, करा कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में एक वृत्त में उत्कीर्णित एक समबाहु त्रिभुज है, इस चाप क्यू आर पर कोई बिंदु है, तो पी एस क्यू का माप ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए, हमने जैसे बोला था वैसे चित्र बना दिया, एगो पी क्यू आर त्रिभुज था वृत्त में, और इसमें ये समबाहु त्रिभुज था, समबाहु में प्रत्येक कोण कितना का होता है, 60-60 डिग्री का होता है, ये आपको पता होगा। तो हमें पूछा गया है एस जो है आपका चाप क्यू आर पर कोई बिंदु है, एस जो है आपका है देखिए क्यू आर पर एक बिंदु है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तो पी एस क्यू का मान निकालना है, पी एस क्यू, पी एस क्यू यानी ये वाला कोण निकालना है, तो कैसे निकलेगा चलिए दिखाते हैं आपको। तो देखिए, यहाँ पे ये भी 60 है तो ये भी 60 है, देख ही रहे हैं, तो आपको क्या पूछा गया, पी एस और ये क्यू, तो ये भी आपका 60 ही होगा, ठीक है, ये भी एक आपका उसी तरह से क्या बनाएगा, यहाँ पे भी यहाँ पे 60 का एंगल बनेगा, ठीक है, तो इसका उत्तर आपका 60 डिग्री हो जाएगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका कितना, तो 60 डिग्री उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए, करा कि साइन इतना है बराबर कॉस इतना है,
इतना और इतना का न्यून कोण है तक एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा? चलिए निकालते हैं। देखिए ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, यदि साइन अल्फा और साइन बीटा बराबर होता है तो ठीक है। तो यहाँ पे इतना अल्फा के जगह पे दिया था और बीटा के जगह पे इतना दिया था, अब दोनों को जोड़ देंगे हम ठीक है। तो देखिए अल्फा के मान हो गया, ये बीटा के मान हो गया, अब दोनों को हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं। तो देखिए दोनों निकाले जोड़े तो कितना आया, इतना आ गया और ये 90 के बराबर होगा। अब यहाँ से 5 से भाग देंगे तो एक्स प्लस वाई का मान आ जाएगा 18 डिग्री आंसर होगा ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 डिग्री। अगला सवाल देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, माने गलती खोजना है आपको। तो ये तो गलत दे दिया है और ये टेन बट्टा साइन बट्टा कॉस, तो कॉस कर, हाँ ये सही है, ये कॉस ए इंटू से के एक होता है, ये भी सही है। तो उत्तर गलत खोजना है आपको, तो यानी पहला ही उत्तर सही है, गलत है ठीक है। अगला सवाल देखिए आपका 82 नंबर क्वेश्चन, यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई का मान 4 है, एक्स एक्स जेड का मान 5 है और बोला है कि क्यू जो है वाई जेड पर एक ऐसी बिंदु है जो एक्स एक्स क्यू एक्स कोण को संविभाजित करता है, तो वाई क्यू और क्यू जेड का मान बताइए। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए एक्स वाई जेड हमने एक त्रिभुज बना दिया जिसमें एक्स जो है क्या कर रहा था, संविभाज कर रहा था, किसको, एक्स को संविभाज कर रहा था, कौन कौन, आपका वाई क्यू और क्यू जेड ओके। और इसमें आपका एक्स वाई का मान 4 दिया था और एक्स जेड का मान 5 दिया है ठीक है। तो एक हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि एक्स वाई बटे कितना एक्स जेड, यानी कि ये 4 और बटे 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये वाई क्यू बटे क्यू जेड ठीक है, वही लिखा हूँ मैं देखिए। और यहाँ पे हमें जो मान दिया है भर दिए, इसका मान 4 और इसका मान 5, 4/5 ओके। तो आपका ये इन दोनों का अनुपात निकल जाएगा वाई क्यू और क्यू जेड का कितना भाई, 4:5, इसका आंसर हो जाएगा ठीक है। तो देखिए इसका आंसर 4:5 हो गया। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है कि क्रम से 24 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के केंद्रों से दूरी 48 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्तों के अनुप्रस्थ या अप्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए स्पर्श रेखाओं की लंबाई निकालने का सूत्र है डी का स्क्वायर माइनस R1 + R2 का होल स्क्वायर। तो चलिए डी का मान 48 दिया था दूरी और त्रिज्या, और पहला त्रिज्या दूसरा त्रिज्या दोनों दिया था 24 और 18, इन दोनों को जोड़िएगा तो 42 आएगा और ये 48 का स्क्वायर, तो 42 का 48 का स्क्वायर 2304 और 42 का स्क्वायर 1764 घटाएंगे तो 540 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 6√15 आंसर ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान √3 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर ले रहे हैं, थीटा का मान अगर हम 30 भर दे रहे हैं तो देखिए कितना हो जा रहा है, सेक 30 टेन 30, 2/√3 1/√3, यानी कि हमारा ऊपर 3/√3 भिन्न का जोड़ करने पर आया है, इसको काटने पर √3 आ जा रहा है, यानी हमारा सीधा सीधा यहाँ पे √3 आ गया, सेटिस्फाइड कर दे रहा है इस पर ये। तो हम क्या करेंगे, यानी थीटा के स्थान पे हम क्या भर देंगे, 30 भर के मान निकाल लेंगे। तो देखिए अतः साइन थीटा कॉस थीटा का पूछा गया है, तो साइन थीटा 30 भर देंगे और कॉस थीटा भी 30 भर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/2 sin 30 का मान और कॉस 30 का मान 2√3/2, अभिन्न का जोड़ करेंगे तो 1+√3/2 आंसर हो जाएगा ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि 8 sec² 45 + 20 sin² 30 + 15 tan 45 का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए 8 sec² 45, तो सेक 45 का मान कितना, √3 पहले √2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिया, 20 है तो 20, और फिर साइन 30 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर 15 और टेन 45 का मान 1 भर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर से रूट खत्म, यानी 2, 2 का 2 × 8 = 8 कितना हो जाएगा 16, ये 1/2 के स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, काटेंगे 20 को 5 बार में यानी 5 हो गया, 15 × 1 = 15 हो गया, ये सबको जोड़ने पर 36 आ रहा है आंसर ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 36 ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं ये वाला, बोला है कि एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाले छात्र
एक छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु एक अन्य छात्र जो है 32% अंक प्राप्त करना चाहता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों का 42 अंक अधिक प्राप्त करना है, करता है, तो अंकों की अधिकतम संख्या क्या थी? चलिए निकालते हैं इसको। तो ये देखिए 20% अंक, 20% अंक प्राप्त करता है, तो क्या 30 अंकों से क्या हो जा रहा था? अनुत्तीर्ण हो जा रहा था, मतलब उसको इतना और चाहिए था, ठीक है, बराबर। और 32% अंक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक और चाहिए था? तो उसको 42 अंक चाहिए था, तो यानी कि उसको माइनस कर देना होगा, ठीक है। यानी कि 32% अंक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना? 42 अंक ज़्यादा, यानी कि इसको माइनस कर देना होगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। और इधर इसको, और इधर 32% है, इधर 20% है, तो घट के कितना आएगा? 12%, और 42 माइनस उधर जाके जुड़ेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 72, तो 12×76 यानी 100% हो जाएगा। अच्छा, 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 600। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला, ये वाला देखिए। कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका बी समकोण है, यदि सी का मान 60 डिग्री है, ए बी का मान 3 है, तो बी सी और ए सी की लंबाई क्या होगा? चलिए निकालते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बनाया जिसमें बी समकोण लिख दिया है, ठीक है, और ये सी जो बोला था 60, तो 60 कर दिया गया है, ये 3 दिया था ए बी का मान, तो हमने भर दिया। अब हम क्या करेंगे, टेन 60 के मान क्या हो जाएगा? ये ए बी बटा क्या हो जाता है? बी सी। तो ए बी का मान 3 भर देंगे हम, बी सी का मान नहीं पता है, छोड़ दीजिए, और टेन 60 के मान √3 होता है, यानी बी सी का मान यहाँ से निकल जाएगा, 3 बटा ये √3 यहाँ आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? √3 हो जाएगा, ठीक है, यानी बी सी का मान आ गया √3। अब हमें साइन 60 का मान निकालना है, तो साइन 60 का क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी ए बी बटा ए सी हो जाएगा। साइन 60 अगर करते हैं तो ए बी यही बटा ए सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो साइन 60 के मान भर दिए √3/2, और ए बी का मान 3 था, ए सी छोड़ दिए, और यहाँ से ए सी का मान निकालेंगे तो कितना हो जा रहा है? 6/√3 हो जाएगा, है ना। और इसके बाद ए सी का मान यहाँ से हर के पर में करण कर दीजिए ना, √3 से नीचे ऊपर गुना करिए, तो कितना हो जाएगा? 6√3, और 3 से काटेंगे तो 2√3 आ जाएगा। तो अतः हमें बी सी निकल गया, ए सी निकल गया, √3, 2√3, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया √3, 2√3, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आयतन ज्ञात करें। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए ऊंचाई इसका 15 सेंटीमीटर दिया था, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 था, तो 2 × π का मान 22/7, आर हेंगे छोड़ दिया, एच के मान 15 भरा, अब तो इसको काट कूट करिए, तो काट कूट करिएगा, तो जैसे ही सब सोल्व करिएगा तो ये सब कट जा रहा है ऊपर से, ये 22 से काटिएगा, फिर 30 बार में हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा, तो 15 × 2 = 30 हो जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, यानी 7 बचेगा, यानी आर का मान 7 आ जाएगा त्रिज्या। अब हमें आयतन निकालना है π r² h, तो 22/7, आर का मान 2 बार रख देंगे, 7 × 7, एच का मान 15 है, अभी सबको 7 से 7 काट दिए, 22 × 7 × 15 करेंगे तो आ जाएगा 3110 cm³ आंसर। तो इसका आंसर 3110 ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला देखते हैं ये वाला, करा कि दो वक्र वृत्त एक दूसरे के बाह्य रूप से सी पर स्पर्श करते हैं, ए बी जो है दोनों वृत्तों के सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ए बी तो संपर्क बिंदु है, ए और बी संपर्क बिंदु है, तो सी ए बी आपका 55 डिग्री है, तो ए सी बी कितना डिग्री होगा? चलिए देखते हैं इसको। तो ये देखिए जैसे बोला था वैसे हमने चित्र बना दिया, दो वृत्त एक दूसरे के संपर्क में बना दिया, और यहाँ से दो स्पर्श रेखा से जो जा रही है उभयनिष्ठ ए बी से, वो हमने लिख दिया, और यहाँ से हम क्या किए, जो यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु है, यहाँ पे स्पर्श बिंदु है, इस सब को हमने मिलाया, एक त्रिभुज बन गया। और यहाँ पे देखिए उसमें बोला था, क्या बोला था उसमें आपका, बोला गया है क्वेश्चन में 89 नंबर, हाँ बोला है कि कितना ए सी ए बी, सी ए बी कितना? 55 डिग्री ये बोला था। उसके बाद क्या बोला था, एक और दिया है, तो बोला है कि ए सी बी क्या होगा? अच्छा, ए सी बी, और यहाँ पे ये समकोण बना रहा है, ठीक है ना, ये आपका क्या बन रहा है? समकोण बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है?
समकोण। तो अब हमें क्या करना है, आपको ए सी बी निकालना है। ए सी बी मतलब ये समकोण बन जाएगा, यही पूछ रहा है। ए सी बी कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर 90 डिग्री होगा। जब भी इस तरह से अगर दो वृत्त एक दूसरे को मतलब संपर्क में रखा जाए और उभयनिष्ठ बिंदु हो, ठीक है, या दोनों जो स्पर्श रेखा से जो त्रिभुज यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, इसको याद रखिएगा। ओके, इसका आंसर 90 डिग्री होगा। तो देखिए इसका आंसर हो गया आपका 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, इसका बोल रहा है कि आपका क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है, एलसीएम निकालना है। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए ये 20 है, ठीक है, 20, फिर आपका कितना है 30, 45, 65, तो 2 से काटिए तो 10 हो गया, इसका आधा इधर, इसका आधा 15 हो गया, इसको यहीं छोड़ दीजिए, इसको इसी तरह छोड़ दीजिए। 5 से काटिए तो 5 दूना 10 हो गया, 5 3 15 हो गया, और 9 5 45 हो गया, 3 5 65 हो गया। फिर 3 से काट लीजिए तो 2 ऐसे ही उतर गया, 3 1 3, 3 3 9, और 13 ऐसे ही उतर गया। अब सबको गुना कर लीजिए, एलसीएम निकल जाएगा। तो 2 गुने 5 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, इस सबको गुना कर लीजिए, इसका आपका आंसर हो जाएगा 2340 आंसर हो गया, ठीक है। इसका आंसर हो गया 2340, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है एक दुकानदार चीनी को 40 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिसे उसने 36 किलो प्रति किलो की दर से खरीदा था। तो उसकी तौल मशीन खराब और बेचते समय उसका वजन कितना हो रहा है, खराब होने के चलते 800 ग्राम तौलती है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए 1 केजी चीनी का क्रय मूल्य कितना, 36 रुपया बोला है, और 800 ग्राम का अगर निकालते हैं तो 36 बटा 1 केजी में 1000 ग्राम होता है ना, तो बटा 1000, ठीक है, और गुने 800, जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, 28.8 रुपया। अब हमें 800 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 40 रुपया बोला गया है, ठीक है, तो लाभ परसेंट निकालना है। 40 माइनस कितना, 28.8, और 28.8 नीचे चल जाएगा गुने 100, ठीक है, बटा क्रय मूल्य नीचे चल जाएगा ना। तो अब इसके बाद में जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तब इसको घटाएं तो 11.2 आ रहा है, 11.2, और नीचे 28.8, इस सबको काट कूट कर रहे हैं, तो काट कूट करने के बाद 18 कितना बच रहा है, नीचे 18 बच जा रहा है, ऊपर 7 में से ऐसे 700 बच रहा है। अब इसको जब भाग दे रहे हैं तो 38 कितना रहा है, 8.9% आ रहा है आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए ए 720 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 है। 18 नई लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है, तो कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश करना कर दिया जाना चाहिए, उससे जिससे लड़कों और लड़कियों के अनुपात कितना हो रहा है, 2:3 हो जा रहा है। चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए स्कूल में पहले लड़कों की संख्या निकाल रहे हैं, तो टोटल 720 था, और उसका अनुपात कितना दिया था, 3:5, और लड़का के लिए 3 था अनुपात। इसको क्या करेंगे, टोटल 3 3 3 5 8 हो जाएगा, और 720 में 8 से भाग देंगे और 3 से गुना मार गया, तो 270 इसका लड़कों की संख्या हो जाएगा। इसी तरह से लड़कियों का निकालेंगे, तो टोटल नीचे 8 करेंगे, और लड़की का अनुपात 5 दिया था, है ना, तो इसको 8 में यानी कि 90 9 5 45, यानी 420 आ जाएगा, 450 आ जाएगा। और देखिए प्रवेश में प्रवेश लेने वाले लड़का को हम एक्स मान के चलते हैं, अब प्रश्न से करते हैं। तो देखिए इसमें लड़का नई लड़का के एक्स मान के चलते हैं, और पहले से कितना हमें प्राप्त हुआ था, 270, तो 270 प्लस एक्स बट्टा में 450 लड़की प्राप्त हुई थी, और जिसमें नई लड़की 18 को प्रवेश कर रही थी, तो इसका अनुपात 2:3 दिया था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करिएगा, ये जोड़ जाके कितना आ रहा है, 468, और 3 से काटिएगा तो 156 आ गया, 156 में 200 गुना कीजिए तो 312 आ गया। अब इसके बाद में ये 270 जाके घट जाएगा, तब 42 आ जाएगा एक्स का मान, यही हो जाएगा आंसर, नए लड़कों की संख्या प्रवेश कितना करता है। इसके आंसर हो जाएगा कितना भाई, 42 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि 1200 मीटर की दौड़ में राकेश 36 सेकेंड में और राजेश 40 सेकेंड में अंतिम बिंदु तक पहुँचता है, राकेश और राजेश को कितनी दूरी से हराता है, चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए इसमें राकेश 36 सेकेंड में दौड़ता है, तो 1200 मीटर दौड़ रहा था, और ये राकेश 36 सेकेंड में दौड़ता है, तो कितना हो जाएगा भाई,
सेकेंड में 1200 था, तो आपका 36 सेकेंड में आपका, नहीं, 40 सेकेंड में, राकेश 40 सेकेंड में क्या कर रहा था? देखिए यहाँ पे, देखिए राजेश होना चाहिए था, कि राजेश कितना भाई 40 सेकेंड में, तो 40 यहाँ पे राजेश होगा, 40 सेकेंड में कितना दौड़ता था? 1200 मीटर। तो राकेश कितना, 36 सेकेंड में कितना हो जाएगा? तो आपका 1200 बटा 40 गुने 36 काट कूट करेंगे तो भाई 1080 हो जाएगा। अब इसमें राकेश जो है राजेश को कितना से हराता है, तो 1200 में से ये 1080 घटा देंगे तो 120 मीटर प्रति सेकेंड से हरा देता है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 120 मीटर, ठीक है? कितना, 120 मीटर से हरा दे रहा है। अगला देखते हैं, ये वाला बोल रहा है कि 12 22, अब नहीं, 22 66 11 का चतुर्था अनुपाति निकालना है। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए चतुर्था अनुपाति निकालने का सूत्र होता है BC/B, ओके, बी गुने सी है ना, और बटा में क्या हो जाएगा, ए, ए होता है, बस ये चतुर्था अनुपाति निकालने का ये सूत्र हो गया। तो बी गुने सी कर लो तो बी कितना है, 66, और गुने सी कर लो 11, और बटा में ए कितना हो जाएगा, 22। काटिए, 3 बार में कट जाएगा, और 11 3 यही कितना हो जाएगा, 33 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। अगला सवाल है ये वाला, देखिए ये कॉसेक का मान इतना और सेक का मान इतना है, और ये टेन और फिर कॉट और फिर साइन ये सब, और फिर कॉस इतना दिया है, तो सबका मान निकालना है। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए जो दिया था हम वैसा ही क्या किए, छाप दिए। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे काम। तो यहाँ पे जो दिया है इसको हम 90 में से घटा देंगे, ठीक है? तो कितना घटाएंगे 90 में से, तो 90 माइनस इतना कर देंगे, और फिर सेक को ऐसे ही लिख देंगे, और फिर टेन को भी 90 माइनस घटा देंगे 90 में से उसको, ओके। फिर इसी तरह से आपका कॉट को इसी तरह छोड़ देंगे, साइन को भी घटा देंगे, कॉस को भी इसी तरह छोड़ देंगे। आगे देखेंगे हम, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा, थीटा कितना, इसको घटाइएगा इतना में से तो कितना आ जाएगा, 43 बचेगा। फिर इसको ऐसे ही छोड़िए, फिर इसको 90 में से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। फिर आप इसको कॉट को इसी तरह छोड़िए, फिर इसको घटाइएगा तो 45, तो यहाँ पर 45 माइनस थीटा आ जाएगा, और इसको इसी तरह छोड़िए। अब सबको देख रहे हैं कट रहा है, ये देखिए किससे कट रहा है, इससे, प्लस माइनस खत्म, ये देखिए प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, यानी सब घट के क्या आ जा रहा है, 0 इसका आंसर हो गया, ठीक है? तो इसका 0 आंसर होगा। देखिए कहाँ है ऑप्शन में, ये देखिए 95 नंबर, क्या इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए अरे यदि किसी माध्यिका, माने यदि माध्यिका और माध्य दोनों दिया है 36 35, तब बहुलक पूछा गया है, तो बहुलक कैसे निकालना है? तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका, ठीक है, मतलब 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो बस 3 माध्यिका में 3 से गुणा करिए, माइनस 2 गुने माध्यिका घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए 3 आप माध्यिका में, इससे 3 तो 36 36 18 के 8, 3 3 9 1 10, 108, और ये माध्य माध्य का 2 गुना यानी 35 दूना 70, और घटाइएगा तो ही इसका आ जाएगा आपका, क्या निकल जाएगा, बहुलक। तो इसको घटाइएगा तो 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 38 हो जाएगा इसका आंसर। घटाने पर देख लीजिए, 8 में से 0 घटा तो 8, ये 10 में से 7 गया तो 3, 38 इसका आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा, क्योंकि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है इसका उत्तर, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखिए, बोल रहा है कि इसका, ये आपका पहला समीकरण दूसरा समीकरण दिया, एक अद्वितीय हल होने के शर्त से बनाना है। तो अद्वितीय हल होने का शर्त क्या होता है, a1 बटा a2 not equal to b1 बटा b2, ठीक है, इसी सूत्र पर बनाना है। तो देखिए a1 के मान कितना है, 2, और a2 के मान कितना है, 4, नॉट इजकल टू b1 के मान कितना है, 3, b2 के मान कितना है, k। अब इसी को सॉल्व कर देना है, इसको काट देंगे 2 बार में, तो क्या हो जाएगा, k नॉट इजकल टू कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, के नॉट इजकल टू 6 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। के का मान 6 नहीं, यानी दूसरा अंक हो सकता है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ही आंसर सही है, ठीक है? अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ये पहला समीकरण, ये दूसरा, ये इतना का मतलब इसका मान 0 है, तो इसका मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए इसका मान आपको 0 बोला है, तो यहाँ से 3 उभार पर चल जाएगा, तो -3 हो जाएगा, और ये दोनों तरफ हम होल क्यू लगा देते हैं, तो होल क्यू सूत्र लगाएंगे,
ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी और ए प्लस बी, और इसका क्यू करिएगा तो -27 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू के हिसाब से रहने दिए, इसको हम ऐसे ही रहने दिए, इसका मान -3 है, भर दिया, -27 है छोड़ दिया। उसके बाद देखिएगा तो इसको ऐसे ही छोड़ दिए, और ये 3 3 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और एक्स वाई है तो एक्स वाई, और यहाँ पे -27। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अब हमें जो मान निकालना था उसको देख लेते हैं। तो हमें मान इतना का पूछा गया था, तो हम क्या करेंगे देखिए, तो देखिए हमें तो इतना ऑलरेडी आ चुका है, और बराबर -27 लिख देना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ले के लिए -27 लिख दिया है, प्लस 9 ये बच रहा है, तो इधर प्लस 9 कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो आपका आ जाएगा कितना, -18 आंसर हो गया। ठीक है, तो -18 ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया, बी शेष काम को अकेले पूरा करता है, तो काम को पूरा समाप्त करने में बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया, चलिए देखते हैं। तो देखिए ए द्वारा 16 कितना दिनों में काम करा था, 16, बी 12 दिन में, तो और इस टोटल वर्क 12 और 16 का एलसीएम 48 हो गया, तो 16 थी 48 तीन बार में, 12 चौक 48 तो चार बार में इसका कैपेसिटी यानी क्षमता निकल गया, ये टोटल वर्क निकल गया। अब ए और बी दोनों एक साथ जो काम कर रहे थे, तो दोनों का कैपेसिटी ए का 3 था तो बी का 4 था, तो 3 प्लस 4 हिसाब से 4 दिन काम कर रहा था, तो 28 हो गया। ठीक है, और शेष काम निकालना है, 48 में से 28 काम कर दीजिए तो 20 बच रहा है, और बोल रहा था बी द्वारा जो जो ये 20 से जो काम बढ़ रहा था बी द्वारा किया जा रहा था, तो कितना, तो 5 दिन लग रहा था। अब यहाँ पे देखिए तो अभी टाइम जो होगा आपका, तो 4 दिन उसको पहले लग रहा था और फिर 5 दिन अभी लग रहा है, तो 4 5 कितना, 9 दिन टोटल लग रहा है बी द्वारा काम करने में, ठीक है, एक साथ, तो टोटल काम करने में, कुल काम करने में कितना दिन, 9 दिन लग रहा है बी को। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते हैं, करा कि 8 सेमी भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है, जो आंशिक रूप से पानी से भरा है, यदि घन पूरी तरह से डूबा हुआ, घन से पूरी तरह से डूबा हुआ है, तो जल का स्तर कितना ऊपर सेंटीमीटर उठेगा, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसको बनाते हैं, तो देखिए आपको क्या करना है, तो इसमें आपको ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई ऊंचाई आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए जल स्तर की वृद्धि हम h मान लेते हैं, तो देखिए उसमें बोला था कि एक घन था जिसका भुजा कितना था 8, तो पहले घन घन का जो जो घनाकार है उसमें हमें उसका आयतन निकालना है, तो पहले हम घन का आयतन निकालेंगे, तो घन का आयतन यानी 8 सेंटीमीटर वाला, तो 8 का क्यूब हो जाएगा कितना, वो इसको एगो टंकर में गिराया जा रहा था, कैसा, घनाभाकार, तो घनाभाकार टंकर में कितना ऊंचाई उसका पानी बढ़ जाएगा, तो इसका लंबाई घन घनाकार टंकी का कितना दिया था, इसका चौड़ाई 8 दिया था, और ऊंचाई हमने इसको कितना वृद्धि हो रहा है उसको मान लेते हैं एच, और ये घन का आयतन ए क्यू यानी 8 का क्यूब कर दिए। अब इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो आ जा रहा है एच का मान 4 सेंटीमीटर, यही इसका वृद्धि होगा जल स्तर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिए ये वाला, करा कि वह छोटी वह सबसे बड़ी संख्या जो इतना ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हो लेकिन 9 से विभाज्य नहीं हो, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए जो संख्या दिया था उसको हमने लिख दिया, ये सबको जोड़ दे रहे हैं, सभी अंक को जोड़ने पर इतना आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी के स्थान पे हम संभावित मान क्या क्या रख सकते हैं, 2 5 14 11 14 ये सब रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम ए प्लस बी के जगह पे हम 14 लेंगे। ठीक है, तो 14 लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना भाई, इससे बड़ा ये आपका यानी कि 23,000 अरे नहीं 2,39,685 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए करा के दी गई आकृति में एपी जो है बी ए सी का संविभाजक करती है, तो एबी का मान 4 है, बी ए सी का मान 6 है, या बीपी के मान 3 है, तो सीपी के मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ से देख के भर लीजिए, एबी के मान 4 बोला है, ठीक है, ए सी के मान 6 बोला है, बीपी के मान बोला है 3, तो ये पी सी के मान पूछ रहा है, सीपी के मान ये पूछ रहा है, तो क्या होता है, तो ये वाला भुजा बटा ये वाला भुजा बताए थे आपको पीछे कितना बार, अब बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला भुजा बटा ये वाला भुजा यानी 3 बटा कितना
हो जाएगा इसको पीसी, पीसी को हम एक्स मान के चलते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका हम काटेंगे तो 2 बार में, इसको काटेंगे तो 3 बार में। तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, आई 2 में 1 से तो 2x, 2x बराबर 9 हो जाएगा। 2x बराबर 9 यानी x बराबर काटेंगे, काट कूट के लाएंगे तो कितना होगा, 4.5 हो जाएगा x का मान, यानी हमें पीसी का मान 4.5 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, ये देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई निकालना है, तो कैसे बनाना है देखिए। तो आपको एक वृत्त ऐसे बना देना है, ठीक है, और इसमें एक जीवा खींचना है, और ये केंद्र से बोला है, केंद्र से कितना दूरी बोला है, ये बोला है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और बोला है इसकी त्रिज्या कितना है, 5 है, ये 5 बोला है, ये 5 इसका त्रिज्या हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 90 का कोण बनेगा, तो समकोण के हिसाब से आप ये भुजा आराम से निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 5, और कितना का ट्रिपलेट है, 3 5 और 4 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक भी 4 हो जाएगा, तभी तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा जीवा की लंबाई। तो आंसर हो गया 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये वाला देखिए, कह रहा है कि 2 संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या है। ये तो आसान ही से बना लेंगे, इसको एक्स लगा के मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है, 5x होगा ना जी, और यही पहला संख्या कितना, 20 बोल रहा है, इसको काटिएगा तो 5 का 20, एक्स का मान कितना आ गया, 20 आ गया। तो आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या कितना है, ये 7 है ना, तो इसमें एक्स लगा के मानेंगे 7x, या 7 में एक्स का मान भर देंगे, कितना आया था, 4 आया था ना, तो सच्चों कितना हो जाएगा, 28 इसका आंसर हो जाएगा, दूसरी संख्या, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, ये वाला कह रहा है कि यदि यदि किसी संख्या को कितना 62% और 80% के बीच के अंतर कितना है, इतना है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर कितना है। चलिए इसको बनाते हैं, देखिए तो यहाँ पे आपको बोल दिया कि 80% और 62% का अंतर कितना है उतना, तो देखिए ये दोनों के बीच का अंतर निकाल लीजिए, 80 और 62% के बीच का अंतर कितना होगा, 18, घटाएंगे तो 18%, और 18% बोला है 192 है, कितना है, 100 भले 98 है, 198, तो अब इसको काटिएगा इस 18 से, तो कितना बार में कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा, यानी 1% का मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 1% 11 11 हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को क्या पूछा गया है, मेरे से पूछा है इन दोनों के बीच का अंतर, तो इन दोनों के बीच का अंतर जब घटाइएगा तो 36% होगा, 36% का मान पूछा गया है, तो आपका 36 और 1% का मान 11 आया था, तो गुना मार लीजिए, तो 36 गुना 11 कितना हो जाएगा, 396 इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 396 ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगला सवाल देखिए, ये वाला देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC और NLM आपका समरूप है, ABC त्रिभुज और LMN का अनुपात दिया है ना जी, क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है, और पहले AB का भुजा का, पहले त्रिभुज में AB का भुजा और BC का भुजा और AC का भुजा सबका मान दे दिया है, तो बोला है LMML का मान क्या होगा, तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए बनाते हैं आपको। तो देखिए ABC त्रिभुज और एगो NLM जो दिया था हमने लिख दिया, इसका क्षेत्रफल 4 दिया था, इसका क्षेत्रफल 9 दिया था अनुपात में, और इसकी भुजा 6 था, 8 था, और ये 12, ये सब भुजा दिया था वो भर दिए AB BC CA का, और इसका भुजा हमें पता नहीं है, चलिए हम इसके हिसाब से देखते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटा एरिया त्रिभुज NLM का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफलों का अनुपात इसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, इसका हम संगत भुजा BC और इसका LM के हिसाब से बना लेंगे, तो BC का मान 8 है और ML का मान नहीं पता है, वो निकालना पड़ेगा हमें, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे इसका क्षेत्रफल 4 था, इसका क्षेत्रफल 9 था, तो इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, इसको काट रहे हैं तो 4 दुना 8 2 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसको आगे बढ़ाना है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यहाँ पे आपको कम समझ में आया होगा, यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4/9, और यहाँ पे BC का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 8 का स्क्वायर लिखेंगे तो 64 आएगा, और यहाँ पे ML का स्क्वायर, तो ML का स्क्वायर छोड़ देंगे, अब इसको काटेंगे तो 16 चौका 64 होता है, तो ये 16 से फिर 9 से गुना करिएगा तो ML का स्क्वायर आ जाएगा 144,
वही लिखा गया है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी कि 12 आएगा ml का मान, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति अपनी सामान्य गति के आपका 7/9 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय से सामान्य समय में 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने पहुंचने का उसका सामान्य समय मिनट में क्या होगा? चलिए निकालते हैं। तो देखिए ये गति जो दिया था 9/9, 7/9 दे रहा है, यानी 7:9 हो गया, तो इसका समय का क्या हो जाता है? उसका अपोजिट उसका हो जाएगा, गति का समय क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। अब इसके बीच का अंतर कितना? 2 का है, और बोल रहा था कि 10 मिनट दोनों अंतर, तो ये 2 यूनिट 10 के बराबर, तो हमें 7 यूनिट का मान निकालना है, तो 10/2 × 7 यानी कि कितना हो जाएगा? 35 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, ये वाला देखिए, कह रहा है कि साइन स्क्वायर 32, साइन स्क्वायर 58, अब फिर बोल रहा है -sin 30, और फिर बोल रहा है sec² 60। चलिए इसका मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 32, साइन स्क्वायर 58, आई साइन 30 और sec² 60 ऐसे ही छोड़ दिए। अब देखिए इसको हम ऐसे ही छोड़ें, इसका देखिए मान क्या करेंगे, यहाँ पे 90 - θ का हिसाब लगा लेंगे, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि आएगा 58, तो 32 को ऐसे ही छोड़ दिए। अब इसका मान 1/2 होता है, इसका मान 2 होता है, स्क्वायर रहते हैं स्क्वायर, इसको इसी तरह से छोड़ दिया। और इसका साइन 90 - θ का होता है cos θ, स्क्वायर रहते स्क्वायर कर लिए, और 1/2 है, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसका मान 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो यहाँ पे 5 4 1 कितना क्या हो जाएगा? अब इसके बाद 1 में से 1/2 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 बचेगा, ठीक है। और इसको 4 से + 4 के साथ करेंगे तो 2 चौका कितना हो जाएगा? 8 8 1 9 9/2 यानी 4.5 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 4.5 ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला सवाल देखिए, ये बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 5 घन के किनारे को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए निकालते हैं। तो देखिए लंबाई क्या हो जाएगा भाई? तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। 3 लंबाई वाला 5 5 गो घन, माने 5 गो घन मिलाकर क्या बनाया गया है? बड़ा सा एक घनाभ बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 3 दिया था, लंबाई चौड़ाई, तो वही 3 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15 इसका लंबाई हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा इसे, ऐसे अगर पूरा घना बनाया जा रहा है 5 को मिलाकर, ठीक है ना। तो लंबाई कितना हो जाएगा? 3 3 3 3 3 × 5 = 15 हो जाएगा। चौड़ाई और ऊंचाई तो सब सेम रहेगा, तो वही हो गया। अब इसका पृष्ठक्षेत्रफल निकालना है, तो 2 × LV + BH + HL सूत्र लगा दीजिए, तो L के मान 15, B के मान 3, फिर B के मान 3, फिर H के मान 3, H के मान 3, अब B के मान, पहले L के मान 15, 45 हो गया, गुना करने पर 9 आ गया, 45 आ गया, सबको जोड़ जाड़ करके 2 से गुना मार दीजिए, 99 जोड़ कर आया, और गुना मारने पर 198 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर 198 ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, अब इसको सॉल्व करना है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व किया गया है, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि ये जो है पहले वैसे ही छोड़ दिए, यहाँ पे भाग है तो इसको बटा में कर देंगे, ठीक है, यानी कि 2.9 बटा ठीक है ना, 5.8/2.9 भाग को पहले करेंगे क्रिया, फिर ये 2 गुना में था तो गुना में 2 रह गया, फिर इसको 35 यहीं छोड़ दिया, और यहाँ पे भी भाग के क्रिया हो रहा है, तो 2 बट्टा कितना? 2.1005। अब इसको जब सॉल्व कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे कट कूट के कितना आ रहा है, कितना ही 2 बार में कटा, तो 2 दूना कितना हो गया? 4। फिर इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, फिर गुना करेंगे तो 14 आ जाएगा, और ये 15.2, और ये 14 में से 4 को घट जाएगा तो -10, फिर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5.2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 5.2 हो गया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जाके कौन उसमें कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जल्द से जल्द मैं आपको पूरा ये कंप्लीट करने वाला हूँ, बस मेरे साथ बने रहिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह से आपको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है।